नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ 13 मई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में 12वीं कक्षा से कॉमर्स वर्ग की शिवाली श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 95.4% अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त प्रियांशी सिंह ने 93.8%, मानवी पाठक ने 93% और पल्लवी यादव ने 92.8% मानविकी वर्ग से अंक प्राप्त किया। कृतिका अस्थाना एवं आदर्श यादव ने संयुक्त रूप से गणित वर्ग में 90.6% तथा नीलेश यादव ने बायोलॉजी वर्ग से 90.2% अंक प्राप्त किया। साथ ही 10वीं कक्षा में पवनिया यशस्वी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 97% अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त फ्रुटि यादव ने 96.8%, गरिमा यादव ने 95.2%, विशेष गुप्ता ने 92.6%, नव दिव्यांशु तिवारी ने 92.4% अंक प्राप्त किया। ज्ञात हो कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल संपूर्ण रिजल्ट उत्कृष्ट एवं 100% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों ने बच्चों के कठिन परिश्रम किया, जिससे उनका उत्कृष्ट परिणाम मिला। विद्यालय के बच्चों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों की उनकी उत्कृष्ट सफलता पर हार्दिक बधाई दी एवं बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की संबोधन में कहा कि यह परीक्षा फल विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों के अथक एवं सतत प्रयास का परिणाम है एवं हम भविष्य में भी उत्कृष्ट परीक्षा फल देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जैसा कि सीबीएसई का रिजल्ट आया है, आपके स्कूल का परिणाम किस तरह का रहा, कैसे क्या कहना चाहेंगे, कैसे बच्चों ने? हमारे यहाँ 12th में 95.4% और क्लास 10th में पवनिया 97 पॉइंट लाके स्कूल को टॉप किया। मैं सभी स्टाफ और सभी जो टीचर्स हैं उनको बधाई देते हैं, उन्होंने बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया। हर वर्ष जो है रिजल्ट अच्छा लाने का प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जा रहा है कि और भी बेहतर जो है बच्चे हमारे और अगले वर्ष जो अच्छा रिजल्ट आए। इसी के साथ में सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ। जो जो जिस फील्ड में चॉइस कर रहे हैं उसमें सफल रहे, मेरी ढेर सारी शुभकामना। सर, लगातार आप स्कूल में बने रहते हैं, किस तरह से बच्चों के गाइडेंस में आप रहते हैं, निगरानी किस तरह से करते हैं, बच्चे की देख रेख में आपकी? मेरा हमेशा प्रयास रहता है बच्चे हमारे अनुशासन में रहें और स्कूल में हम लोग भी प्रॉपर वॉच करते हैं, रिजल्ट भी हमारा अच्छा रहे, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चे अगर संस्कारित होंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे भी और बाहर नाम भी रोशन करेंगे। अनुशासन बहुत ज़्यादा अनुशासन पर हम फोकस करते हैं बच्चे हमारे अनुशासन में, उसके साथ साथ जो है रिजल्ट के लिए प्रयास किया जा रहा है। बच्चे ने मेहनत किया और रिजल्ट हमारा 100% है। 10th में हमारा 97% जो है पढ़ने में प्रथम स्थान लाया और 95% जो है श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान लाया है। साथ में सारे बच्चों को शुभकामना देता हूँ जो आगे बढ़ाए। हमारा स्कूल के प्रति हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे अपना अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन करें। अच्छा लग रहा है, बिटिया ने अच्छा किया है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था उतना नहीं, 99%। और पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं और उनको देखें कि वो क्या पढ़ रही, क्या पढ़ना चाहिए। अपना नाम बताओ और स्कूल का नाम बताओ। मेरा नाम विशेष गुप्ता है, मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय पब्लिक स्कूल है। स्कूल का चल रहा है 94%। किस तरह से पढ़ाई की थी आपने और अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने क्लास टीचर को देना चाहूँगा, उन्होंने साल भर मुझे सपोर्ट किया, हर वक्त मेरे साथ रहे। मतलब जब भी मैंने उन्हें कॉल किया उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया एंड पढ़ाई जैसे टीचर ने बताया मुझे वैसे मैंने पढ़ाई करी थी साल भर। रिजल्ट से संतुष्ट हो पढ़ाई के हिसाब से?
हाँ थोड़ा मतलब 95 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट थोड़ा सा कम आ गया, फिर भी ठीक है। क्या बनना चाहते हो अभी? तो क्या है, 11th में जे की तैयारी कर रहा हूँ, IIT जे की, फिर इंजीनियर बनना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।